नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कंपाउंड वाल में लगाया गया जो मेन गेट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये दोस्तों जो बाउंड्री में लगाया हुआ मेन गेट है इसके बारे में बताना चाहता हूँ, किस तरीका से इसको बनाया गया है, कितना इसका वजन है, कितना रुपया इसको बनाने में लगता है, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेंगे इस बनते हुए घर के लिए जो गेट लगाया गया है मेन गेट, इसका साइज़ का, क्योंकि जो साइज़ है उसी पे डिपेंड करता है कि इसका वजन कितना होगा और कितना रुपया बनाने में से खर्चा होगा। तो अगर आप साइज़ जान जाते हो तो आपके लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो इसको 14 फीट का रखा गया है इसका चौड़ाई, और ऊंचाई का बात कर लिया जाए तो ऊंचाई इसका 8 फीट रखा गया है। जी दोस्तों, 8 फीट बाई 14 फीट में ये बना हुआ गेट है। यहाँ पे आपको दो पल्ला देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो, ये पहला पल्ला है और ये दूसरा पल्ला है। इस गेट के लिए जो फ्रेम यूज़ किया गया है इसको भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेम है इसमें किस तरीके का मटेरियल का प्रयोग किया गया है, किस तरीके से एंगल का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में जानिए। अगर आप मोटा एंगल के साथ बनाते हो तो इसका वजन ज़्यादा होगा, वजन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इसका जो फ्रेम है उसको उपयोग में लाया गया है। यहाँ पे देखिए, एंगल के साथ इस गेट के लिए फ्रेम को बनाया गया है। ये जो एंगल आप देख पा रहे हो ये डेढ़ इंच वाला एंगल है, और डेढ़ इंची एंगल में भी दो तरह का एंगल आता है, एक पतला एंगल आता है और एक मोटा एंगल आता है। तो ये मीडियम साइज़ वाला जो एंगल है, जो पतला वाला एंगल है, उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इससे मोटा वाला एंगल इस्तेमाल करते हो तो इसका वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीका से जो इस घर के लिए गेट लगाया गया है तो एंगल के साथ इसका फ्रेम का इस्तेमाल है वो किया गया है। ये आप देख सकते हो, इधर से भी और इधर से भी दोनों पल्ला का जो एंगल है सेम है, डेढ़ इंची वाला एंगल यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ साथ ये पत्ती भी आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से पत्ती का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी चाहो तो आप डेढ़ इंची का पत्ती का इस्तेमाल करवा सकते हो, लेकिन उसमें वजन ज़्यादा आएगा, आपका खर्चा है वो ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो एक इंची का पत्ती का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे देखिएगा तो नट बोल्ट के सहारे इसे टाइट किया जाता है। ये करकट वाला गेट है, देख सकते हो, कुछ इस तरीके से करकट के साथ इसे बनाया जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, टिकाऊ है। अगर इसमें गाड़ी वगैरह का ठोकर ना लगे, अच्छे तरीके से रखिएगा तो काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है, क्योंकि ये सड़ता और गलता जल्दी नहीं है, आपको पता है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका फ्रेम के बारे में मैंने बताया, और इसमें लगा हुआ जो पत्ती है उसके बारे में बता दें। उसके साथ इस तरीके से पत्ती का इस्तेमाल आप क्रॉस डिज़ाइन में देख पा रहे हो, चाहो तो मोटा पट्टी भी लगवा सकते हो। जो कहानी इस गेट का है, इस पल्ला का, वही कहानी उस पल्ला का भी, उसी तरीके का मटेरियल और उसी टाइप से यहाँ पे काम किया गया है। लॉक के लिए देखिएगा तो यहाँ पे दो तरह का लॉक आपको दिखता है, ऊपर में एक ताला लगाने के लिए लॉक लगाया जाता है ताला पत्ती के साथ में, उसके साथ ये झूला लॉक है, कुछ इस तरह से घुमाते हुए इससे आप इसे खोल सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ताला पट्टी कुछ इस तरीके से जोड़ा जाता है, यहाँ पे आप ताला लगाते हुए इसका काम है वो कर सकते हो। लॉकिंग का सिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इसके साथ साथ आप देखिएगा तो इस तरीका से सामने की तरफ दिखता है। इसमें पेंटिंग वगैरह में भी ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि ये जो आता है करकट, उसका जो इस्तेमाल आप करते हो तो पहले से पेंट किया हुआ रहता है, इसके ऊपर पेंट करते हुए तो वो भी अच्छे तरीके से नहीं चढ़ पाता, इसलिए इस पर पेंट आपको नहीं करना है। पेंट आपको सिर्फ ये जो फ्रेम है उस पर आपको करना है। अगर आधा लीटर भी पेंट आप ले आ देते हो तो आसानी के साथ आपका पूरा गेट पेंट हो जाए, क्योंकि ये जो पत्ती है और जो एंगल है सिर्फ उसी को आपको पेंट करना होता है। तो इस तरीका से आप देख पा रहे हो कि इस घर के लिए जो गेट का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो आप जान लेते हैं कि आखिर इस गेट को बनाने में कितना रुपये का खर्चा आया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस तरीका का जो गेट बनाया जाता है करकट के साथ, इसे प्रति केजी के हिसाब से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रति केजी के हिसाब से बनाया जाता है, और एक केजी का रेट है 110 रुपया। अगर इसका टोटल खर्चा निकलना है तो आपको इस गेट के वज़न के बारे में भी जानना होगा। तो इस गेट को 140 केजी के साथ बनाया गया है, मतलब इसका वज़न 140 केजी है और 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बनाया जाता है। अगर आप दोनों को गुना कीजिएगा तो 15,400 रुपया इस गेट को बनाने में खर्चा है वो आया है, सिर्फ ये गेट का खर्चा है। इसके बाद आपको इसको फिट कराने का खर्चा है वो आपको एक्स्ट्रा होगा, मतलब सिर्फ जो गेट आया है वो सिर्फ 15,400 का है। इसके बाद आप राजमिस्त्री को बुलाते हुए कॉलम वगैरह का कास्टिंग कराते हुए फिक्सिंग का काम आपको अपने से करना होता है। तो अगर आप इस तरीका का 13 फीट बाई 7 फीट या फिर 8 फीट के आसपास का जो साइज़ में गेट बनवाना चाहते हो तो आपको 15,000 से 17,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो लग सकता है। अगर आप सिर्फ डेढ़ इंची का एंगल और एक इंची का पत्ती के साथ बनाते हो तब आपका काम इजीली इतना पैसा में हो सकता है। अगर आप
एंगल का जो साइज है उसे बड़ा करते हो, मोटा करते हो, तो फिर आपको पैसा उसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने कंपाउंड वॉल में कुछ इस तरीका से गेट लगवाना चाहते हो तो इजीली लगवा सकते हो। और भी बहुत सारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलते रहता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।